अमेरिकी ड्रोन और रूसी लड़ाकू विमान के बीच काला सागर में हुई टक्कर में अमेरिकी मानव रहित विमान समुद्र में गिरकर नष्ट हो गया, जिसके बाद रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी फोरेंसिक विशेषज्ञ अब इस मामले का विश्लेषण करने में लगे हुए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने गुरुवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें कहा गया कि एक रूसी लड़ाकू जेट अमेरिकी वायुसेना के निगरानी ड्रोन पर ईंधन डंप कर रहा था। इससे पहले इस लड़ाकू विमान ने ड्रोन के प्रोपेलर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई इलाके में गिरा दिया। ये घटना काला सागर में हुई, जिसके बाद मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर तनाव बढ़ गया। पेंटागन ने कहा कि अमेरिकी सेना के अवर्गीकृत 42 सेकंड के इस रंगीन वीडियो फुटेज में एक रूसी SU-27 अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन के पीछे आ रहा है और इसके गुजरने पर ईंधन छोड़ रहा है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों को अंदेशा है कि इस तरह ईंधन को डंप करने का मकसद ड्रोन के ऑप्टिकल उपकरणों को ड्राइव करके उसे अंधा करना प्रतीत होता है। अमेरिकी सेना के मुताबिक दूसरे नजरिए पर या तो वही जेट या कोई और रूसी लड़ाकू विमान जो MQ-9 को शैडो कर रहा था, ड्रोन के प्रोपेलर से टकराया, जिससे इसका एक ब्लेड क्षतिग्रस्त हो गया, फिर इसने अमेरिकी मानव रहित विमान को समुद्र में गिरा दिया। पेंटागन द्वारा जारी किए गए वीडियो में साफ तौर पर ईंधन डंपिंग टकराव से पहले या बाद की घटनाओं को नहीं दिखाया गया है और रूसी लड़ाकू विमान को ड्रोन से टकराते हुए भी नहीं दिखाया गया है। रूस ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने ड्रोन पर हमला नहीं किया और दावा किया है कि मानव रहित हवाई वाहन तेज युद्धाभ्यास करने के बाद नीचे गिर गया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि रूस अगर ड्रोन के मलबे को हासिल करने में कामयाब भी हो जाए तो इससे उनकी सेना को कुछ नहीं मिल सकेगा। उन्होंने $32 मिलियन के विमान के हिस्से को हासिल करने की कोशिश की संभावना को खुला छोड़ दिया है। रूस और नाटो के सदस्य देश नियमित रूप से एक दूसरे के लड़ाकू विमानों को रोकते हैं, लेकिन ड्रोन की घटना ने शीत युद्ध के बाद पहली बार ये चिंता बढ़ा दी है कि इससे संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सीधा संघर्ष हो सकता है। वहीं मॉस्को ने क्रीमिया के पास अमेरिकी खुफिया उड़ानों के बारे में बार बार चिंता जाहिर की है, जिसे रूस ने साल 2014 में यूक्रेन से जब्त करके कब्जा कर लिया था। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।